हेलो केट्स वेलकम टू माय चैनल मोपेट केट्स जोन आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैरीगोल्ड क्लास फोर्थ की फोर्थ यूनिट की पोएम वाई सो लेट्स स्टार्ट वाई वाई मतलब क्यों आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय मैं एक जिज्ञासु छोटे लड़के को जानता हूँ क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु लिटिल मीन्स छोटा बॉय मीन्स लड़का नो मीन्स जानना मैं एक जिज्ञासु छोटे लड़के को जानता हूँ इज ऑलवेज आस्किंग वाई जो हमेशा पूछता है क्यों? कौन हमेशा पूछता है क्यों वाई दिस ऐसा क्यों वाई दैट वह क्यों वाई देन फिर क्यों वाई now? अब क्यों? वाई नॉट Why बाय द बाय क्यों नहीं बार बार क्यों he wants to know why wood should swim वह जानना चाहता है कि लकड़ी को क्यों तैरना चाहिए Why lead and marble sing? Sisa, lead means sisa, and marble को डूबना क्यों चाहिए Why sun should shine and wind should blow? सूरज क्यों चमकना चाहिए और हवा क्यों चलनी चाहिए एंड वी ईट एंड और हम क्यों खाते पीते हैं ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स क्लाउड वह जानना चाहता है कि बादल क्या बनाता है एंड वाई दे क्रॉस द स्काई और वे आकाश क्यों पार करते हैं वाई सिंग्स द सन बिहाइंड हिल्स सूरज को पहाड़ियों के पीछे क्यों डुबाता है एंड वाई द फ्ला और फूल क्यों मरते हैं सम ऑफ दीज वाई आर नॉट टू हार्ड इनमें से कुछ क्यों बहुत कठिन नहीं है टू आंसर इफ यू विल ट्राई उत्तर देने के लिए यदि आप कोशिश करेंगे अदर्स नो वन एवर येट दूसरों को अभी तक कोई नहीं ही हैज फाउंड द रीजन वाई दूसरों को अभी तक कोई नहीं वजह ढूंढ ली है तो यहाँ पे आपने देखा एक पोएम एक लड़के के बारे में जो बहुत उत्सुक है हर चीज के बारे में जानने के कि This poem is about a curious boy who wants to know the reason behind everything he sees around. He is curious about the fact that why log of wood swim but marble and lead sink. Again he asks the reason behind the shining sun and blowing wind. Moreover, he also asks questions about why do we drink and eat. In the next stanza of this poem, the curious small boy asks the clouds are made of what and why they move across the sky. Further the boy makes queries about why the sun sinks behind the mountains and also the cause of the death of flas in the last stanza the poet says that although some questions are easy to answer rest do not have any reason तो ये पोएम बहुत ही अच्छी थी क्योंकि जैसे हम लोग की भी बहुत बड़ी उत्सुकता होती है हमारे भी बच्चों में कि पूछते रहते कि ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों नहीं होता तो यहाँ पे भी एक ऐसे ही बच्चे के बारे में था आइए हम देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स क्यूरियस क्यूरियस मीन्स आई गट टू नो समथिंग मीन्स उत्सुकता किसी चीज के बारे में जानने की आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द प्लैनेट लेड लेड यहाँ पे एक आपका केमिकल एलिमेंट है जिसको हम सीसा बोलते हैं ठीक है मार्बल uh, मार्बल भी अ लिटिल ग्लास बॉल होता है यूज बाय चिल्ड्रन टू प्ले यहाँ पे वो मार्बल है सिंक सिंक मींस डूबना सिंक मीन्स डूबना टू गो डाउन बिलो द सर्फेस ऑफ वॉटर सो वी सॉ दोट सिंक या द रॉक सिंक्स इन द सी रीजन मीन्स कारण अ कॉज टॉम गेव इिज रीजन फॉर कमिंग लेट तो चलिए आइए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर नेम ऑफ यू थिंग्स दैट सिंक सो यू कैन राइट द आंसर लेड एंड मार्बल सिंक इन वॉटर लिस्ट थ्री क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस न राइट वाई वुड शुड स्वेम वाई सन शुड शाइन वायू अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे वॉट सॉट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब इन द पोए तो नॉट अ सैड दुखी नहीं क्यूरियस ये जिज्ञासु के बारे में तो यहां ब्रेन भी बहादुर भी नहीं तो यू विल मा क्यूरियस सो राम इज क्यूरियस लिटिल बॉय ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज़ ग्रैंडफादर फादर क्वेश्चन राम एक जिज्ञासु सा छोटा सा लड़का था वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था बहुत सारे प्रश्न करता था एक दिन जब वो घर वापस आया तो उसने अपने दादू, दादू से पूछा वाई कार्ड वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स वो पूछा जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम सूरज को क्यों नहीं देख सकते वाई कांट वी टच द सन हम सूरज को क्यों नहीं छू सकते वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क हम अंधेरे में क्यों खेलने बाहर नहीं जा सकते तो डिस डिस्कस दीज क्वेश्चन विथ योर टीचर एंड क्लास ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं अपने टीचर्स के साथ अपने क्लास के साथ और उसके जवाब भी ढूंढने जैसे कि मैं आपको बताती हूँ

बिकॉज वी विल नॉट एबल टू सी एनी थिंग एंड कैन ईवन फॉल डाउन वाइल प्लेंग हम अंधेरे में इसलिए नहीं खेलते क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा और हमें गिरने का खतरा होगा हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्ल्ड बिल्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कर्लर्ड वर्ड इन द सेंटेंस वाई तो यहां पे लिखेंगे वाई इज द स्काई सो हाई वाई इज द स्काई सो हाई डू यू नो द कलर ऑफ फ्लार्स डू यू नो द कलर ऑफ फ्लार्स तो अब हम आ जाते हैं यहां पे हैव यू फाउंड हु मेड द क्लाउड्स हैव यू फाउंड हु मेड द क्लाउड्स पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक तो ये था आपका नेक्स्ट है द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल देम राइट एंड मेक ऑफ योर यहाँ पे आपको जम्बल करके स्पेलिंग्स दे स्पेलिंग रखिए मीन्स गलत थोड़ी उल्टी पुल्टी करके आपको स्पेलिंग्स दे स्पेलिंग रखिए आपको उसको सही तरीके से अरेंज करके लिखना है और फिर उससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाने हैं तो जैसे इन्होंने पहला आपको लिए कर रखा है नो नो मीन्स जानना तो आई डो नॉट नो द आंसर यहाँ पे आपका स्विम स्विम मीन्स टैन नाव शी कैन नॉट स्विम इन डीप वॉटर Lead. Lead can sink in water. Marble. Children love to play with marbles. Hills. The hills are very steep. Steep means gary. So, now on the next, discuss and write why do cats and dogs fight? You can write dogs and cats fight because they don't like each other. Dogs are not friendly with cats. So, why do we walk across the road, not run? There are many vehicles on the road. In order to avoid accidents, we walk across the road and do not run. So, the next why do people like ice cream? So, you can write people like ice cream because it is a cold, sweet thing which makes them happy. Write down at least two questions using why. So, you can write why the sky is blue, why do you laugh loudly. This activity you have to do it by your own with the help of the onion and the color. So, come on, this poem let's sing The Man in an Onion Bed. I met a man in an onion bed. He was crying so hard, his eyes were red, and the tears rolled off the end of his nose as he ate his way down the onion rows. He ate and cried, but for all his tears, he sang. Sweet onions, oh my dears, I love you, I do, and you love me, but you make me as sad as a man can be. So this is the poem. So which you have to do the practice of reading. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय बाय